कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कार्ति चिदम्बरम की हिरासत की अवधि 3 दिन के लिए और बढ़ा दी है। सीबीआई के विशेष जज सुनील राणा ने हिरासत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि कार्ति की जमानत याचिका पर अब 15 मार्च को सुनवाई होगी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ नए आपत्तिजनक सामग्री का पता चला है। कार्ति चिदम्बरम 28 फरवरी से सीबीआई हिरासत में है। सीबीआई ने उन्हें चेन्नई हवाई अड्डे से ही गिरफ्तार किया था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत दी है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मामले में कार्ति चिदम्बरम को गिरफ्तारी से 20 मार्च तक के लिए आज अंतरिम जमानत दी है। कार्ति कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के पुत्र हैं। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने यह राहत देते हुए साफ किया कि सीबीआई के मामले में विशेष अदालत अगर कार्ति को जमानत देती है तो ऐसी स्थिति में अगली सुनवाई तक निदेशालय उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।